सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट वनस्पति विज्ञान का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक बॉटनी के सेकेंड पेपर से संबंधित हैं और आज का टॉपिक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक कवक है जिसके बारे में आपने पूर्व की कई कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इसी कवक के द्वारा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की प्राप्त की गई थी जिसे पेनिसिलिन कहते हैं। तो उसी पेनिसिलियम की कायिक संरचना कैसी होती है, जनन कैसा होता है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस सेकेंड पेपर से कई कवकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे एल्बुगो है, ईस्ट है, इत्यादि के बारे में। एक हमने रोटी कवक के बारे में भी अध्ययन किया था जिसे राइजोपस के नाम से जाना जाता है। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक पेनिसिलियम। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम पेनिसिलियम के विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक कौन कौन से होंगे, जैसे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसकी स्पीसीज कौन सी है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, उसकी कायिक संरचना किस प्रकार की होती है, इत्यादि के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम की जनरल संरचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कवक का सिस्टमेटिक या वर्गीकरण स्थिति क्या है। तो ये किंगडम माइकोटा का मेंबर है जिसके डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेसिडीज अथवा एस्परजिनेसिडीज, फैमिली यूरेसिएसी और जीनस पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम और एस्परजिनस एक ही फैमिली के जीनस है, इसीलिए इन दोनों कवकों का वर्गीकृत स्थिति फैमिली तक एक समान होती है, उसके बाद में जीनस दोनों का अलग अलग होता है। यूरोसिलियस ऑर्डर को एस्परजिलियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक इसी प्रकार से फैमिली यूरेसियसी को एस्परजिलियसी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, इस पेनिसिलियम नामक कवक की कुल 100 स्पीसीज इस वर्ल्ड के अंतर्गत पाई जाती है। ये कवक मूल रूप से मर्दोजीवी सेप्रोफाइटिक है जो सड़े गले स्थानों से या कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। पेनिसिलियम शब्द जो विकसित हुआ है वो पेनिसिलस से हुआ है। पेनिसिलस का मतलब होता है आर्टिस्ट प्लस कलाकार की ऊंची। क्यों होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन संस्थाओं के द्वारा इसमें बनने वाले अलैंगिक बीजाणुओं के कारण इस कवक की आकृति कलाकार की ऊंची या ब्रश के समान हो जाती है, इसीलिए इस कवक को कलाकार का ब्रश या कलाकार की ऊंची के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कवक कायिक अवस्था में या प्रारंभिक कायिक अवस्था में रंगहीन होता है, लेकिन इसमें विशेष वर्णक पाए जाने का इसका विशेष प्रकार का रंग नहीं रहता है और ये रंग ब्लू कलर हो सकता है अथवा ग्रीन कलर हो सकता है। ब्लू और ग्रीन, इसके कारण इसको ब्लू अथवा ग्रीन मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम देंगे, हिंदी में कहेंगे इसको नीली या हरी
उपबंध कहते हैं, जिस प्रकार से शैवालों में भी नीली शैवाल पाई जाती है, हरी शैवाल पाई जाती है, पीली पाई जाती है, ठीक इसी प्रकार से पेनिसिलियम को किस किस नाम से जाना जाता है, आर्टिस्ट्रस के नाम से जाना जाता है या ब्लू मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है, ग्रीन मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने एक बार ईस्ट के समय में नाम पढ़ा था, तो वो क्या था, उसको नाम देते ब्रेड मोल्ड्स, रोटी को मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से एल्गो को हम सिस्टोफस अथवा व्हाइट रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी कितनी स्पीशीज, कुल 100 स्पीशीज, इसमें से अधिकांश प्रजातियां हैं वो हानिकारक लक्षण अर्थात मानव जीवन के लिए और जंतुओं के लिए पालकों के लिए हानिकारक लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो लाभदायक भी होती है। इनसे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी। हम प्रारंभिक कक्षा से पढ़ रहे हैं कि एंटीबायोटिक के रूप में खोज के संदर्भ पढ़ रहे हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब कौन से कवक से प्राप्त की थी, पेनिसिलियम से प्राप्त की थी, और नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो उसी पेनिसिलियम की विस्तृत संरचना को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। स्पेसिफिक की बात करें तो पेनिसिलियम डाइविटिकम एक ऐसी प्रजाति है जो कि कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। लकड़ी के ऊपर यदि ये पेनिसिलियम उग जाता है, ये बन जाती है, तो अपने कवक जाल और कवक तंतुओं द्वारा स्थापित होने वाले रसायनों से धीरे धीरे कास्ट विघटित होती जाती है, इसलिए ये कास्ट के लिए क्या सब हानिकारक है। पेनिसिलियम डिलीगेटम सीट्रस पर जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब करते बात लाभदायक तो पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजिनम के द्वारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त है। कौन से एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, इससे प्राप्त की जाती है नोटेटम और क्राइसोजिनम के द्वारा। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त की जाती है, तो आप पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम लिख सकते हैं। ग्रेसियोफ्लुविन नामक एंटीबायोटिक जो कि कवकों के प्रति एंटी फंगस होती है, वो पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लुविन से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लुविन से कौन सी प्रतिरोधी रसायन प्राप्त किया जाता है, ग्रेसियोफ्लुविन। ठीक इसी प्रकार से पेनिसिलियम ओडोफॉर्टी और पेनिसिलियम कॉम्बेवर्टाई दो ऐसी पेनिसिलिन प्रजाति है जिसकी उपयोग के द्वारा पनीर का निर्माण किया जाता है। इसी के अंदर पनीर का प्रकार है रोकफोर्ट पनीर है, कॉम्बेवर्टाई पनीर है। तो इस पनीर में ये कवक क्या करता है, ये अपने कवकशील क्रियाओं के द्वारा उस पनीर की कठोरता को कम करता है, कोमल बनाता है, और प्लस उसके अंतर्गत सुगंधित पदार्थों का निर्माण करता है जिसके कारण पनीर सुवाच्य या सुगंधित होता है। पेनिसिलियम वाइटी एक ऐसी स्पीशीज है जिसके द्वारा एक एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज प्राप्त किया जाता है। तो ये पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां जिनका आर्थिक महत्व है, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अब बात करते हैं कि इस पेनिसिलियम की काइनेटिक संरचना कैसे होती है। पेनिसिलियम मूलों से सेप्टोफाइटिक है, जिसको छोड़कर के पेनिसिलियम डिजिटम को छोड़ क्योंकि ये परिचय के रूप में है, तो ये सेप्टोफाइटिक होने का मत कार्बनिक पदार्थ को सुखा सकता है। पेनिसिलियम का एक कवक जाल होता है जो कि विकसित प्रकार का और साकित होता है। कवक जाल के अंदर फायदा होता है कवक सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट का मतलब होगा एक कवक ये इसके मध्य भाग में इस प्रकार से कई पट पाए जाते हैं, जिसको नाम देते हैं पट्टीय कवक जाल। अब प्रत्येक खंड के जैसे
ये दोनों में आपस में अंतर संबंध कैसे स्थापित करेंगे, इंटरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि देवदेवी रूप से एक दोनों का एक दूसरे से संपर्क होना अति आवश्यक है। इसके लिए इन परतों के मध्य सरल रंध्र पाया जाता है, सरल छिद्र पाया जाता है। जैसा कि हमने कवकों के सामान्य लक्षण के अंतर्गत पढ़ा था कि जब कवक तंतु पट्टी होता था, पट उपस्थित होते थे, तो एक खंड दूसरे खंड से एक छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है। वो छिद्र दो प्रकार के थे, एक तो था सरल और दूसरा था ढोल छिद्र या टोली पोल, या फिर सरल छिद्र के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ा जाता है। कवक का साकेत होने के साथ साथ में पट्टी भी है, इसलिए उलझे उलझे हुआ होता है। जब वो लैंगिक चलन की प्रक्रिया करने आता है, तब उसको ऊर्ध्वाधर तंतु से विकसित होने वाले ये दो शाखाएं, तीन शाखाएं, दो भागों में विभक्त होती है, उसको तीन भाग पर अलैंगिक बीजों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप पूरा का पूरा कवक तंतु या कवक आर्टिस्ट ब्रश के समान दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम सामान्य क्या होगा, आर्टिस्ट ब्रश, क्योंकि कवक कोशिका है, इसीलिए इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है और इसमें रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है। कुछ प्रजातियां इसकी पेनिसिलियम की आपस में संयुक्त होकर कवक द्वारा संयुक्त होकर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर जाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं स्पिरोशियम, स्पिरोशियम बना देते हैं। कब पढ़ता हमने स्पिरोशियम के बारे में, जब कवकों के सामान्य लक्षण पढ़ते, उस समय हमने देखा था कि कवक जाल का संगठन कई प्रकार का होता है, जैसे राइजोमोर्फा प्रकार का है या फिर स्यूडो पैरेन्काइमाटस है, पैरेन्काइमाटस है इत्यादि प्रकार का। तो ये था एक सामान्य सा कवक जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इसकी संरचना। मैनी मैनी थैंक्स।